कुछ दिन बचे हमें कॉलेज में। आई नो ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा लेट देखते होंगे। हम याद के लिए ये व्लॉग देखेंगे कभी कभार आज से 10 साल बाद, जब शीदा बूढ़ा हुआ होगा, इसके बच्चे 2-3 होंगे, इसके 3-4 बच्चे होंगे, ये भी देखेंगे। चले जावांगे लास्ट को स्टेज पे बुला ली, एकदम बलि का बकरा बन गया ना उसने। मुझे अभी तक नींद भी नहीं खुल रही सच बताऊं तो, क्योंकि मैं बहुत लेट उठा हूँ। रात को लाइट नहीं थी यहाँ पे और भाई मच्छरों ने बहुत बुरा हाल किया। अभी मैं निकल रहा हूँ सरनकोट की तरफ, आज हमारी फेयरवेल की पार्टी है। तो हाँ, ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं जो है पहले कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ और कुछ खा फुट लेते हैं। निकल आया मैं और जो है पहले मैंने ऐसे ही कपड़े लगा लिए, बाद में मैंने देखा भाई मेरे बालों की बहुत बुरी हालत थी, सोचा धो लेता हूँ और ठीक हो जाएंगे। फिर धोए, फिर भी वैसे की वैसे जलील हुआ हूँ मैं। निकलते हैं पूंछ से पहले, पार्टी वेट कर रही है हमारा, देख रहे हो। वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी तक मैंने व्लॉग का इंट्रो नहीं दिया। हाय शायद आए, हाय 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 नाजिम, क्या लग रहा है? बस वाले ने आज रज के जलील करा, उसने 2 घंटे लगाए यहाँ पे और सारे के सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं। 11 बजे का इनविटेशन था हमारी जो फेयरवेल की पार्टी का। क्रीम होती लगाते यार, हम काली हो गए यार, हम काली क्या कर सकते, ब्राउन है यार। फेयरवेल की पार्टी और शीदा कॉल नहीं हो रहा, कपड़े खोलने का मन कर रहा है लेकिन नहीं खोल सकते ना। मेरे पास कोई गाड़ी है वो यहाँ पे चल नहीं सकती यार, इन रोड नहीं सही कर ना। हमारे पास कोई गाड़ी है ठीक है ना, कोई बाइक, कोई गाड़ियाँ हैं यहाँ से। हम एक काम करेंगे, रास्ते में थोड़ा सा पानी है यहाँ पे तो क्यों ना थोड़ी सी जलालत धो लेते हैं मुँह से, है भाई, क्यों ना फेस से थोड़ी जलालत धो लेते हैं। मैं धो लेते वहाँ तक सूख जाएंगे। चल कॉलेज में जा रहे हैं तो क्यों ना सोचा थोड़ा थोड़ा सा इंसान बन के जाए। हाँ क्या मुँह धो रहे हैं उसके बाद हम जा रहे हैं कॉलेज तो। ना ये नहा के आया घर से और ना मैं नहा के आया, ये सच। तू नहा के आया? लेकिन कैमरे में मैं नहीं नहाया था यार, है? मैं ऐसे उठ के चला आया। हाँ, ये भी नहीं नहा के आया, मैं भी नहा के आया, मैं तो सच में नहीं नहा के आया। अरे साले, जब जितनी हमने किसी को पार्टी वार्टी कुछ नहीं है ना, हमने बिल्कुल नहीं दी, हमने इतनी दी किसी को पार्टी नहीं देना। हम तो भाग जाते होते थे, भाग के आते ही नहीं होते थे। है तो पार्टी टाइम का कुछ पार्टी नहीं होने वाली, आगे हम पढ़ भी नहीं रहे। हाँ आगे हमने ड्रॉप कर दिया, मतलब आज से ये बता देते हैं हम लोग। जैसे ही हम यहाँ पे आके पहुँचे, एक आध बंदे को मैंने कॉल करा क्योंकि वहाँ पे कोई मैच चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई मसला है कि पार्टी जो है ख़त्म हो गई है और हम एकदम से घर की तरफ जा रहे थे भाई, लेकिन हम भाई निकल रहे हैं, हम घर वापस जा रहे हैं, हम यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रखा हो। अब मैंने शेरजमान को अंदर कॉल किया, शेरजमान बोल रहा अभी 20 मिनट के बाद स्टार्ट होगी, तो फिर से जान पड़ेगी। मैं सोचा भाई पूरा व्लॉग का हो गया स्यापा ख़त्म सारा कुछ, खैर चलते हैं ऊपर, वहाँ मैच भी ख़त्म हो गया है। क्या हाल? मैं बोल रहा था मैं विलास का मैच थोड़ा अच्छा नहीं किया, इसलिए विलास का मूड थोड़ा सा डाउन, मूड लटका हुआ इसके कपड़े। नहीं यार, मैच का एक्चुअली पता ही नहीं था, वो यहाँ पे आके जस्ट एनर्जी का मसला है गाइस, पैसे लेके आए। इधर से चल, मैं ना अंदर चल ना तेरे वेलकम के लिए, उधर दिखा के बच्चे देख भाई। ओ हो हो खुदाया, ये सिर्फ बंदे हमारे वेलकम के लिए, ये हमें भगा रहे हैं यहाँ से। हमने नहीं भगाया, अब खुद जा रहे हैं, हमारा टाइम भी आएगा, वक्त वक्त की बात है भैया। हर कुत्ते का तोर्स किया है कि चेहरे पे मासूमियत का निकाब अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह, आपका दिल लगाने का इरादा सच्चा नहीं लगता। हाय हाय, यूं तो लगता है आप वफा नहीं पाते हो अच्छे से, गेम ही नहीं होनी, नजरों में वफा का नामो निशान नहीं दिखता। हाय गाइस, क्या हाल है भाई? हाल देखो क्या हाल है, ये देखो यहाँ पे लगा थोड़ा करीब करके। इसको बोलते हैं पढ़ाई का दौर, जिसमें इंसान को अपनी फिक्र तक नहीं होती कि पढ़ाई ना है भाई, इधर गेम का दौर है, ये पढ़ाई का दौर नहीं है। अबे साले, हम ऑडिटोरियम के आगे आप नहीं चल रही है? नहीं भैया, हम नहीं जाते यार, मन लग गया भाई, मन बहुत दुखी हो रहा है। बस दुआ कर रहे थे कब हमें यहाँ से ये रवाना करें। अभी हम हैं ऑडिटोरियम के अंदर भाई, अरे बहुत मनोज लग रहा है, यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह नहीं मिली हमें और हम आके कुछ ऐसी जगह पे यहाँ पे देख रहे हो, देख रहे हो? नहीं भाई पूरा खाली हो गया, हम दोनों के लिए अभी सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो कि बच्चों की क्लासेस हो रहे हैं यार उधर, तो क्लास के लिए मैं जा रहा हूं। बच्चों की क्लासेस हो रही, बच्चों की ओके ठीक है। यहां पे मैं चिट्टा दिख रहा हूं, देख लो
गर्मी हमसे झेलने हुई तो बैठेंगे, अगर नहीं झेलने हुई तो बाहर चलेंगे भाई, क्या करें, फेयरवेल के चक्करों में अब लगती नहीं हम। ये हमारे पीछे वन एंड ओनली कद्दू जो कि तब से हमें रोस्ट करे जा रहा है, और इधर आके थोड़ी सी हवा भाई, आए हाय हाय, एसी लगे हुए यार, छोड़ो, सुकून स्वाद आ रहा है अभी तक है भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मल्टीपर्पज रूम है तो एसी तो लगे हुए हैं, पर एसीयों की हवा यहाँ पे इतनी सी भी असर नहीं कर रही, क्योंकि अंदर कम से कम 200 स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, और 200 स्टूडेंट्स में भाई वो सारा कुछ ह्यूमिडिटी में तब्दील हो रहा है, समझ रहे हो, सारा कुछ, सारा कुछ समझ लो। चा ब्रो हो गए रेडी वहाँ पे कुछ गाने वाने गाने के लिए, और मेरे साथ यहाँ पे आके बैठा है इनवार भाई। इनवार भाई कैसे हो? सब बढ़िया। मैंने मैंने सुना यार इनवार भाई हम 11th से हम साथ पढ़ रहे हैं, और आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, अब आके क्या मसला भाई? तकरीबन यार मैं भी आपको देख के मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी मतलब शौक था व्लॉगिंग करने का। प्रिंसिपल सर आ गए तो हम इनवार भाई से कुछ देर बाद मिलाते हैं। A few moments later. ओए होए होए, वाह 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 वाह, क्या यार कोई हिटिंग नहीं कर रहा बंदा यार, स्वाद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे घिसे पिटे शेयर चल रहे हैं। अब आगे स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स सेमेस्टर, सारे स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर के, मतलब इतना बड़ा स्टेज है? नहीं मसला ही मसला यार, अभी हुआ यूँ कि हम गए आगे, थोड़ा सा फिल्म किया वहाँ पे, गए हम थोड़ा सा जलील हुए, मतलब केक कटिंग की वीडियो बनाई मैंने, थोड़ा साइड से बनाई क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता वैसी वाली वीडियो बनाने में, तो कुछ खास वाला हिसाब नहीं है फेयरवेल का, ऐसे ही बच्चे तैयार व्यार हो के हम फालतू का मेकअप तबाह करके थोप के आए, लड़कों का हमारा सही रहता बस नाए धोए भी नहीं, ऐसे ही उठ के सुबह बस कपड़े पहने जूते लगाए और पहुंच के मुंह निकाला वो यहाँ पे। क्या नाम नहीं लिखा आपने? गाना है मैं निकल आया यार, पूंछ से निकला था तब से अभी तक रोक के रखा है। Much, much, much later. ड्रीम्स को फुलफिल कर लेंगे तो तब दैट कुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर अ टीचर, अगर वो अपने बच्चों को देखता है कि वो। फिलहाल मेरा ये ड्रीम है कि मुझे यहाँ पे बैठना है, तो मेरी विशेस ये है कि आप हमें फील कराइए अपने आप को, अपने लिए बेहतर मुस्कान ब्लेस किया। हल्का हो गया यार, ओहो भाई मेरे ऐसे लग रहा है कि मैंने सुबह से 10 kg वेट उठा के रखा होगा, पता है मेरी जान बच गई भाई, शुक्र अल्लाह मेरे से नाम पूछा गया था, पर मैं ना वहाँ से ऐसे विलास को स्टेज पे बुला ली, एकदम बलि का बकरा बन गया, ना उसने कुछ मतलब देखा ना याद किया, मैंने कुछ भी, कोई स्पीच वीच होती है ना तो अचानक से अब वो बुखलाए गया है कि हर तरफ से उसकी है भाई कि मैं किस तरफ से क्या निकालूं, मतलब इन्वेस्टिगेशन पार्टी होती है कुछ स्पेशल। अच्छा ओके, सीबीआई टाइप, हमारे ऐसे सीबीआई एफबीआई टाइप है, हमारा जीसीओ, हमारा नाम है जीसीओ। स्वाद आ जाता अबे साले। कुछ नैपकिन है? मतलब भाई जीतने के लिए मैं बड़ा खुश हो रहा था वहाँ पे बैठा हुआ, मैं एक मुख्तसर सी पोएट्री पेश करने वाली थी, मगर इस सजी हुई महफिल को देख के मुझे चंद इशार याद आए।
यार सही इधर से गुजरा ऊपर से निकल गया नहीं इधर से वाह मिस बा पेंटिंग को उमर के गाने इतने टेस्टिंग तो टीचर्स के साथ हमारी थी नहीं क्योंकि पेंडेमिक था लेकिन जो नेट के दौरान हमारी टेस्टमेंट अश्वार सर के साथ हुई विजास सर के साथ और पाकिस्तान में जो मिस बा अगर तू ये व्लॉग देख रही है ना नाम फेंका कर होगी है जी अचानक से बारिश स्टार्ट और अब जो हमें फिर से अंदर जाना पड़ रहा है अब मैं अंदर कुछ अगर हुआ मतलब चटपटा सा तो कुछ फिल्म करूँगा नहीं तो बारिश बहुत तेज आ गई है यहाँ से मेरे को चल के जाना है बाजार तक और लिटरली काम हो जाएगा मेरा मजास मलिक नाम तो लिखा हुआ आगे इसके आगे डैश जो है ना ये बिल्कुल खाली छोड़ी यार मैंने सोचा कुछ ऊपर लिखा हुआ होगा पर जो जिन्होंने ये बुलाया था शायद वो बोले टैलेंटेड बॉय इन द कॉलेज और ऑफ द कॉलेज
शीदा लंबा है ना यार सच में स्टेज पे खड़ा होने में चौथा नहीं बोला आपको नहीं किया अभी अभी बस बहुत सही है यार बहुत सही है अच्छा ये 6 है वाला ये हमें टिकट नहीं लिया गाइस पार्टी जो है अभी खत्म नहीं हुई पर हमने ऑफिशियली खुद के लिए जो मतलब हमारी तरफ से पार्टी खत्म होगी जाना चाचा भाई मेरी शक्लमंदी आ रही है भाई कोई 3-4 महीने हो गए अभी तक कितना बाल कटाए ना दाढ़ी आज क्या बोला यार तो फिर यहाँ से अगर आप बोलो तो हम यार फिर से एडमिशन ले जिंदगी तो फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह टेंशन नहीं करो फेल होने वाले हम वापस आएंगे क्यों क्यों भाई क्यों चलो गाइस 1 साल ड्रॉप कर लो एक साल भाइयों की तरह मतलब रहे हम ये पूरे मतलब 2 साल जब से मैंने एडमिशन करवाई है तो भाइयों की तरह रहे हमारी मुलाकात झगड़े भी कितने किए हमने आपस में लोगों को मारा इधर उधर है वो चलता है यार कॉलेज लाइफ में ना चले तो कब चलेगा अच्छा यहाँ से भी पता चलता है गाइस ये हसन है इसका नाम हसन है अभी इसका नाम है नहीं हो रही है चल बल है हाँ चल ठीक है बन रही है ना देख ये वीडियो चली अबे क्या रो हसन रो नहीं हसन रुकना लगा दे पानी सैमी इसको मेरी यार थोड़ा सा यार थोड़ा सा गाइस ऐसी ब्लॉग करने यार क्या यार क्या रे इतना फोटो नहीं खिंचवाता ब्लॉग में ऑफ वी गो फेयरवेल हो गया कॉलेज हो गया कॉलेज हो गया खत्म कॉलेज खत्म परसों तेरा एग्जाम है कॉलेज खत्म और मेरा दोस्त तू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अभी एग्जाम बाकी है ना इफ यू डिड मेक योर फॉलो लाइक डी एंड सब्सक्राइब टू समीज चैनल डू सब्सक्राइब बड़ा कॉलेज में पका लिया आप लोगों को और मेमोरीज भी बना ली लाइक एंडलेस मेमोरीज और आज खत्म होता है यहाँ पे सफर